गुड मॉर्निंग क्लास 5 सब्जेक्ट पीवीएस साइंस चैप्टर 4 पॉल्यूशन। आज हम इस चैप्टर में हमारी अर्थ और उसके साथ ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू होने वाली प्रॉब्लम्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अवर एनवायरनमेंट। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम ही है EVS। EVS means environmental studies। तो ये पॉल्यूशन जो है उसका एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो चुका है जिसको कि ह्यूमन एक्टिविटी ने बनाया है। तो एनवायरनमेंट जो है हमारा पूरा जो सराउंडिंग जहाँ हम रहते हैं उसकी सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। बेसिकली इसमें दो टाइप की चीज़ें होती हैं, लिविंग थिंग्स प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग। दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे हमारे सराउंडिंग की ऐसी चीज है जिसके अंदर लाइफ नहीं है बट लाइफ परसिस्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए नॉन लिविंग थिंग्स का होना बहुत जरूरी है। लाइक सॉइल एयर वाटर लैंड। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं के थ्रू लाइफ जो है वो जिंदा रह सकता है ना, कोई इंसान या कोई प्लांट या एनिमल। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स के लिए फूड का अरेंजमेंट करती है या फूड प्रोवाइड करती है, या तो फिर पीने का पानी जो है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, या हम लोग जो लिविंग थिंग्स है वो जो ब्रीथ लेते हैं सांस लेते हैं वो भी एयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। मतलब जो लिविंग थिंग्स है वो इन सभी नॉन लिविंग थिंग्स पर डिपेंडेंट है। तो हमारा जो सराउंडिंग है उसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं, वो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब हम और एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, ग्रेट लॉसेस ऑफ नेचर बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अब कुछ लॉसेस जो ह्यूमन ने नेचर को पहुंचाए हम उसकी बात करते हैं। कैसे लॉसेस हो सकते हैं और ये क्यों हुए? क्योंकि ह्यूमन जो है वो एडवांसमेंट चाहता है अपनी, वो प्रगति करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए वो जो अर्थ है उसके रिसोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहा है, उसके कारण कुछ चीजें जो है वो तैयार हो रही है। तो हम ऐसी एक्टिविटी देखेंगे जो नेचर को डिस्ट्रैक्ट कर रही है या खराब कर रही है, जैसे हाउसेस रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। बेसिकली मैंने ये तीन चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। जैसे जैसे सिविलाइज होता गया इंसान, वैसे वैसे उसने बहुत सारी चीज़ें सीख ली, बहुत सारी चीज़ों के साथ में उसने अपना बहुत सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर लिया। साथ ही पॉपुलेशन जो थी, जनसंख्या जो थी, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इतने सारे लोगों को रहने के लिए मकान चाहिए होते थे, इसलिए जो जंगल थे या ग्रीनरी थी या जो फॉरेस्ट थे उसको खत्म कर दिया या कम कर दिया गया। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, फिर रोड बनाने थे तो पहाड़ है उनको कट कर दिया, नदियों के ऊपर डैम बना दिया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो हमारे डेवलपमेंट के लिए हमने हाउसेस बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन किया, रोड्स बनाने के लिए हमने, या ब्रिजेस नहर बनाने के लिए या पुल बनाने के लिए हमने नदियों और समुद्रों को भी बांध दिए या पुल बना दिए, या फिर हमने फैक्ट्रीज डालने के लिए, इंडस्ट्रीज डेवलप करने के लिए भी बहुत कुछ अर्थ के रिसोर्सेज का नुकसान किया। तो जब ये लगातार होता गया बहुत लंबे समय तक ऐसा चलता गया, तब जाके उसके ड्रॉबैक या कुछ खराब चीजें हमारे सामने आने लगी, उसी को हम कहते हैं पॉल्यूशन। ये जो है ना टर्म पॉल्यूशन, ये एक दिन में जनरेट नहीं हुआ, बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा है इसके लिए। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज पॉल्यूशन। अभी हमने समझा एनवायरनमेंट क्या था और एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन ने नेचर को कैसे खराब करना शुरू किया। तो जो पॉल्यूशन है यह कोई भी हमारी ऐसी एक्टिविटी जिसके थ्रू
addition of unwanted and harmful substances in nature. कोई भी ऐसी चीज जिसका क्वालिटी बहुत अच्छा था उसको हमने यूज कर लिया और उसको डीनेचर करके वापस हमने छोड़ दिया, प्री यूटिलाइज करके हमने छोड़ दिया, अब वो खराब होती जाएगी और वहाँ की सराउंडिंग को भी वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करेंगी, उसको कहा गया है पॉल्यूशन। और ऐसे सब्सटेंस जो पॉल्यूशन तैयार करते हैं उनको कहा गया है पॉल्यूटेंट्स। ये हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ के अंदर लंबे समय तक बने रहते हैं, वो होते हैं पॉल्यूटेंट्स। अब पॉल्यूटेंट्स को भी दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सेकंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल इसका मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू डीकंपोज किए जा सकते हैं, जैसे हमारे घरों से निकलने वाला फूड वेस्ट होता है या पेपर्स होते हैं या खेतों से निकलने वाला एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो कि अगर कचरे का जो ढेर होता है वहाँ पर एक बार इकट्ठा कर देते हैं पब्लिक प्लेसेस से दूर ले जाकर और वहाँ पर उसको कुछ प्रोसेस करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू वो डिकम्पोज होकर फिर अगेन नेचर में मिल जाता है, वो होता है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू जो हमारे घरों में वेस्ट निकलता है वो बेसिकली इस टाइप का होता है, मोस्ट ऑफ वेस्ट जो हमारे घरों में जनरेट होता है वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है। सेकेंड होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक और ग्लास। जैसे आज अगर मार्केट में जाते हैं कुछ लेकर आते हैं तो प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स के अंदर आता है या फिर प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर आता है या प्लास्टिक के बॉटल्स के अंदर आता है और भी बहुत सारी चीज़ हमारे सराउंडिंग में प्लास्टिक की यूज़ की बढ़ती जा रही है। अब ये ऐसा सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज नहीं किया जा सकता है और अगर उसको अर्थ के अंदर पेट बनाकर या गड्ढा खोदकर डाल भी दिया जाए तो ये बरसों बरस तक डिकम्पोज नहीं होता है। आप सोचो जब बहुत सारा प्लास्टिक हो जाएगा डिकम्पोज नहीं होगा, प्लेस ही नहीं बचेगी, पूरा अर्थ जो है वो ही उससे कवर हो जाएगा। इतना ज़्यादा जो प्लास्टिक है वो एनवायरमेंट या पॉल्यूशन का एक कॉज बनता जा रहा है। अब हम बात करेंगे बेसिकली इस चैप्टर में एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन जो है एयर का जो नेचुरल प्योरिटी है उसके अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस का एडिशन जो है उससे तैयार होता है। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस एयर में कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो एयर पॉल्यूशन को तैयार करते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो है वो निकलते हैं हमारे व्हीकल्स से या वाहनों से, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कोल और पेट्रोलियम। पिछले चैप्टर्स में आपने ये समझा है जो कोल और पेट्रोलियम होता है वो नेचुरल प्रोसेस से बहुत लंबे समय बाद तैयार होता है और जब उसका बर्निंग होता है तब उसमें से हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है और वह एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाती है, उसके थ्रू एयर पॉल्यूशन होता है। या फिर फैक्ट्रीज में से निकलने वाले धुएं जिसके अंदर केमिकल्स मिले होते हैं या फिर वाटर वेपर्स होती है, ये सब मिलकर एयर पॉल्यूशन तैयार होता है। अब हम बात करेंगे और टर्म एटमॉस्फेयर। हमने सोलार सिस्टम का थोड़ा बहुत पिछले चैप्टर में पढ़ा है, तो जो भी प्लैनेट्स होते हैं प्लैनेट्स के अंदर गैसेस का एक सराउंडिंग होता है या एक ब्लैंकेट लाइक होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो गैसेस का बना होता है और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस और गैसेस का मिक्सचर होता है, उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो टर्म है ये आज के समय का बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको बड़ी क्लासेस में भी आएगा, तो आपको इसको बहुत अच्छे से एक दो बार रीड करके समझना है और लंबे समय तक ही याद रहेगा। जो ग्रीन हाउस गैसेस होती है मैंने यहाँ मेंशन किया है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड।
ये जो चार गैसेस होती हैं ये एक लिमिटेड अमाउंट जो होता है उससे एक्सेसिव हो जाती है। पहले तो इसका नाम इन चारों का ग्रीन हाउस गैसेस है। जब ये एक्सेस हो जाती है तो ये हमारे पूरे जो एटमॉस्फेयर है उसी के अंदर कुछ खराबी तैयार करती है जो कि हमको इस फिगर में इस ड्राइंग में आपको फिर एक्सप्लेन करूंगी। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी जो गैसेस है ये हमारे एटमॉस्फेयर को खराब करती है और बहुत लंबे समय में ह्यूमन लिविंग पर इसके इफेक्ट देखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका पहला जो इफेक्टेड हो गए ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब ये पूरी दुनिया को अफेक्ट करता है, वार्मिंग मतलब गर्मी का बढ़ना। दूसरा मैंने लिखा है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ में आपको एक्सप्लेन करूंगी। इसके जो इफेक्ट है उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। फर्स्ट इसका इफेक्ट है रेज इन टेम्परेचर। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका पहला इफेक्ट जो है वो है रेज इन टेम्परेचर। हमारा जो अर्थ है उसके टेम्परेचर का रेज होना या बढ़ना। अब ये कैसे बढ़ता है आप यहाँ पर देखिए, मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एक अर्थ का आधा पोर्शन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। अब जो सन है यह मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, यह हमको लाइट और हीट प्रोवाइड करता है। कंटिन्यूशन में हमको लगभग थ्रू आउट द ईयर प्लेस के अकॉर्डिंग कहाँ पर कैसा सनलाइट आता है उसके अकॉर्डिंग हमको सनलाइट मिलता रहता है अर्थ पर। अब यहाँ से जो मैंने एरो लगाया है ये जो है ये सनलाइट हमारी अर्थ पर आ रही है। जब हमारा नेचर आज से बहुत सालों पहले जो हमारा अर्थ था बहुत प्योर था, तब जो है ये यहाँ पर इसकी जो हीट आती थी सन की जो अर्थ पर हीट आती थी वो रिफ्रैक्ट हो जाती थी एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर का जो लेयर है अर्थ के आसपास सन की जो हीट अर्थ पर आती थी उसका बहुत सारा चीज जो है वो रिफ्रैक्ट हो जाता था, मतलब यहाँ पर जो गर्मी थी वो कम होती थी। अब जब पॉल्यूशन बढ़ता गया तब क्या हुआ, तब क्या हुआ कि ये जो गैसेस है ग्रीन हाउस गैसेस है इनका एक एबिलिटी होता है या कैपेसिटी होता है कि यह सन से आने वाली हीट को ट्रैप करके रख लेता है और उसको रीइमिट करता है एनवायरनमेंट के अंदर। पहला हीट आया और चला जाता था बहुत समय पहले। अब जब एयर पॉल्यूशन बढ़ता गया है तब जो है ग्रीन हाउस गैसेस ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया इंफ्रारेड रेडिएशन को जो कि हार्मफुल रेडिएशन थे जो पहले रिफ्लेक्ट हो जाते थे, अब वो यहीं के एनवायरनमेंट में रह जाते हैं और रीइमिट होते हैं। तो इसको रीइमिट होने के कारण जो अर्थ है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग वो हो गया, अब जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस, हमारे यहाँ पर अर्थ का जो लैंडफॉर्म है वो कहीं पर भी एक जैसा नहीं है। कहीं पर पहाड़ है तो जहाँ पर ऐसे पहाड़ जहाँ पर साल भर बर्फ रहती है जैसे पोलार रीजन्स में या फिर हिमालय में वहाँ पर ग्लेशियर्स होते हैं बर्फ के पहाड़ होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट होती है और पूरा सड़क फ्लड आता है तो बहुत सारी आइस जो है वो बहते हुए पानी में चली जाती है। अब ऐसे लोअर लाइंग एरिया जो पानी की या पहाड़ों की एकदम निचली सतह पर है वहाँ पर ओलाव सडन बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारे पीपल जो लोग जो है वो मर जाते हैं, बहुत सारे एनिमल प्लांट ये भी खत्म हो जाते हैं, रेलवे नेटवर्क रोड नेटवर्क कम्युनिकेशन ये सब भी एकाएक खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा तो इफेक्ट ये है आइस के टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के बाद में आइस जो है मेल्ट होती है और फ्लड आती है और कई बार साइक्लोन भी होते हैं। साइक्लोन भी जो लार्ज वाटर बॉडीज होती है वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट जब आता है तो जो गर्म हवा की है वो ऊपर की तरफ घूमती जाती है और साइक्लोन जनरेट होते हैं तो वो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण होते हैं और साइक्लोन जो होते हैं वो भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
एक और चीज मैंने लिखा है मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस, जब बाढ़ आ जाती है और एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तब मच्छर भी बहुत पनपने लगते हैं, तो मच्छर से होने वाली बहुत सारी बीमारियां होने का भी खतरा बना रहता है। क्लाइमेट चेंज, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चेंज है क्लाइमेट चेंज। कहीं पर भी पर्टिकुलर क्लाइमेट जो होता है, एक वेदर होता है, एक क्लाइमेट होता है। वेदर मतलब जिसमें डे टू डे चेंज होता है, दूसरा होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो होता है पर्टिकुलर पैटर्न होता है किसी भी प्लेस का जिसमें बहुत वर्षों में चेंजेस आते हैं, तो वैसा पूरे अर्थ पर क्लाइमेट चेंज जो है वो देखा जाता है, जिसके अंतर्गत कहीं कहीं पर्टिकुलर प्लेस का जो पैटर्न है उसके अंदर वेरिएशन या फ्लक्चुएशन देखे जाते हैं। जैसे कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है वहाँ पर फ्लड आ गया, या फिर कोई ऐसा प्लेस जहाँ पर नॉर्मल बारिश होती है वहाँ ड्रॉट या सूखा पड़ गया, तो ये सब क्लाइमेट चेंज के कारण देखा जाता है। और ये सब होता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो ग्रीन हाउस गैसेस के कारण होता है। तो ये जो हमारी जो अर्थ है उसका जो सोलार रेडिएशन है वो उसको एब्जॉर्ब करके जो रिफ्लेक्ट करती थी उसको ग्रीन हाउस गैसेस ने कम कर दिया, इसकी वजह से हमारी जो पूरी अर्थ है या फिर जितने भी ह्यूमन सोसाइटी है प्लांट्स और एनिमल्स है वो सब अभी इतना डेंजर में आ गए हैं, तो उसको कम करने के लिए एफर्ट्स करना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले इसके लिए फॉसिल फ्यूल्स जो है उसका यूज कम करना चाहिए, उसको रिड्यूस करना चाहिए, अल्टरनेटिव कुछ उसके हमको यूज करना चाहिए, लाइक बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ वगैरह हो गई, सोलार से चलने वाली गाड़ियाँ हो गई, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली, या फिर इक्विपमेंट्स जो है वो भी ऐसा हमको उसका यूज करना चाहिए जो पॉल्यूशन कैलकुलेट करता हो, या फिर हमको प्लास्टिक को भी रिड्यूस रीयूज या रिसाइकल करना चाहिए। तो आज के इस चैप्टर में हमने हमारा एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या है, पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूटेंट्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब समझा। अब आप इसको अपनी बुक में रीड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, तो आपको अगली क्लासेस तक ये याद रहेगा क्योंकि बड़ी क्लासेस में भी ये और डिटेल में आपको आता है। थैंक यू।